महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हमारे देश में लोग सदियों से अपने अपने नजरिए से प्रस्तुत करते रहे हैं। द्रौपदी को इस महाकाव्य का मुख्य किरदार माना गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने अलग अलग दौर में छोटे पर्दे यानी कि टीवी सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाया है। द्रौपदी के किरदार के लिए सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हैं रूपा गांगुली। जी हां दोस्तों, बीआर चोपड़ा के महाभारत में रूपा गांगुली ने अपने दमदार अभिनय से द्रौपदी के किरदार के लिए एक अलग ही पहचान बनाई थी। रूपा गांगुली अब राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी से वह राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और बंगाल की एक लोकप्रिय नेता हैं। द्रौपदी के किरदार के लिए दूसरी सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हैं फाल्गुनी पारिख। फाल्गुनी पारिख ने रामानंद सागर के श्री कृष्णा में द्रौपदी का किरदार निभाया था। फाल्गुनी ने श्री कृष्णा के अलावा जय हनुमान में माता अंजनी का भी किरदार निभाया। फाल्गुनी ने और भी कई लोकप्रिय शो जैसे कि कानून, देश में निकला होगा चांद, जी टीवी के एक शो, संस्कार, लक्ष्मी, राजपुतानी आदि में नजर आई। फाल्गुनी पारिख अभी भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय है और मुंबई में ही रहती है। दोस्तों, रूपा गांगुली और फाल्गुनी पारिख के अलावा और भी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें द्रौपदी के किरदार के लिए छोटे पर्दे पर पहचान मिली है, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक से वीडियो की वैल्यू बढ़ेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, वर्ष 2013 में एक बार फिर से महाभारत को जब बनाया गया तो इस धारावाहिक में अभिनेत्री पूजा शर्मा को द्रौपदी का किरदार निभाने का मौका मिला। इसमें श्री कृष्ण भक्त द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर पांचाली बनने तक, चीरहरण और त्याग तक की कहानी को पूजा शर्मा ने बखूबी निभाया। पूजा शर्मा ने महाभारत के अलावा तेरी मेरी कहानी, अजब गजब घर, महाकाली, अंत ही आरंभ, कर्म फलदाता सनी आदि धारावाहिकों में भी काम किया और अभी भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पूजा शर्मा के अलावा बरखा बिष्ट को भी द्रौपदी का किरदार निभाने का मौका मिला। 2014 के एक सीरियल परमावतार श्री कृष्णा में वो द्रौपदी के किरदार में नजर आई और लोगों ने उन्हें नोटिस किया। हालांकि यह शो श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित था। बरखा बिष्ट आज भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय है। बरखा बिष्ट के अलावा अभिनेत्री मिताली नाग ने भी दूरदर्शन पर प्रसारित हुए धारावाहिक द्रौपदी में पांचाली का किरदार निभाया। इस शो का नाम ही द्रौपदी था और इसे द्रौपदी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। यह शो ज्यादा नहीं चला था लेकिन मिताली नाग के अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया था। मिताली नाग अभी भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। टेलीविजन के एक और माइथोलॉजिकल सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण में पंखुड़ी अवस्थी को द्रौपदी का किरदार निभाने का मौका मिला। हालांकि यह शो उतना जादू नहीं बिखेर पाया जितनी इससे उम्मीदें थी, लेकिन इस शो में कर्ण के जीवन से जुड़े सभी तथ्यों को दिखाया गया था। इस शो में कर्ण का किरदार निभाने वाले गौतम रेडे और पंखुड़ी अवस्थी ने बाद में विवाह कर लिया था। एकता कपूर के विवादित शो कहानी हमारे महाभारत की में अनीता हसनंदानी को द्रौपदी का किरदार निभाने का मौका मिला। 2008 में टेलीकास्ट हुआ यह शो दर्शकों के पसंद के पैमाने को नहीं भर पाया था। इस शो में द्रौपदी जैसे दमदार किरदारों को काफी मॉडर्न दिखाने की कोशिश की गई थी जिसकी वजह से काफी विवाद भी हुआ था। इसके अलावा भी द्रौपदी के किरदार को और अन्य कई शो में छोटे पर्दे पर दर्शाया गया है। किरदार बदलते रहे हैं लेकिन द्रौपदी का जिक्र जब भी होगा उनके संघर्ष और तब की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।